बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ नगमाना आज लेके आई हूँ पेठे की सब्ज़ी, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार। एक मैंने 1.5-2 केजी का पेठा लिया था और उसको छील के अच्छी तरह धो के टुकड़े कर लिए हैं और इसको मैंने कुकर में डाल दिया। इसमें सुरख मिर्चें नहीं मैं डालती ज़्यादा, सब्ज़ मिर्चियाँ 4 मिर्चियाँ और 1 चुटकी मैंने सुरख मिर्चें डाली हैं और ये सब्ज़ मिर्चें हैं और साथ में सुरख हो गई हैं कुछ मिर्चें, वो हैं 1 प्याज है दरमियानी साइज़ का, 2-3 टमाटर डाले हैं मैंने। जब टमाटर डालने से बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बनती है। ऑयल डाल है अपने आप ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल है साथ में और थोड़ा सा खुश्क धनिया। और इसको मैंने वेट लगा दिया था 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, 5 मिनट बाद हमने इसको खोला है तो माशाल्लाह ये देखें जी। और एक बात मैं कह दूं, आजकल बच्चियां स्कूलों से छुट्टियां हैं, उन्हें कॉलेज जाती हैं, जो उनको छुट्टियां हैं बच्चियों को उनको लगाएं घर पे, मेरी प्यारी बेटियों सीखा करें खाना बनाना। और जब कुकर में कोई चीज़ बनाए तो उसकी फुल स्टीम निकल जाए तो फिर उसको खोला करें, ठीक है, जब ठंडा हो जाए। एकदम से नहीं खोलना, जलने का ख़तरा होता है। ये देखिए, इसकी हम अब बुनाई कर रहे हैं। टमाटर की स्किन मैंने निकाल दी थी, ये देखें जी। पानी काफ़ी खुश्क हो गया, जितनी इसकी बुनाई होगी उतना ही ये मज़ेदार सा बनता है। और आप भी ज़रूर बनाना, बच्चों को हर सब्ज़ी खिलाया करें, ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी है पेठे की सब्ज़ी और मज़ेदार भी बहुत लगती है। और ये चीज़ें खानी चाहिए, बच्चों को आदत बनाएं इनकी। अच्छा जी, हम अच्छी तरह से भून रहे हैं। अब ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा ये पेठे का सालन तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है ये, इस पेठे के सालन की लुक ये देखें जी। माशाल्लाह, ज़रूर बनाया करें। अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखान इसी तरह प्यारी प्यारी नेमतों से भरे रखे। और अपनी दुआओं में मेरे बच्चों को और मुझे याद रखने, आप मेरी दुआओं में हमेशा रहते हैं। मेरा चैनल चैटी चैनल है, स्टार्ट से एंड तक इसकी वीडियो देखा करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड में सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया जो सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।